हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक नई डिज़ाइन की तोरण लेके आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही इजी है। तो आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। तो सबसे पहले हम चैन बनाएंगे। तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, तो हमें यहाँ पे छः चैन लेना है एक राउंड क्रोशिया में। फिर लास्ट वाले चैन में ऐसे इसको हम निकालेंगे। तो ऐसे ही हम एक राउंड हमने निकाला, क्रोशिया में लिया, ये दूसरा, तीसरा। तो ऐसे हम क्रोशिया में छह राउंड लेंगे। छह राउंड क्रोशिया में, तो यहाँ पे हमने छह राउंड ले लिया। इसको हम ऐसे बंद कर देंगे। तो यहाँ पे हमने बंद कर दिया। फिर हमें चैन लेना है एक, दो, तीन, चार, पाँच। तो हम पांच चैन बनाएंगे। इसके बाद हम नीचे इसको यहाँ पे बंद कर देंगे। तो हमने इसे बंद कर लिया। अब इसके आगे हम चैन बनाएंगे। तो यहाँ पर पांच चैन बनाएंगे। फिर एक राउंड क्रोशिया में, फिर हमने जहाँ से पहले बनाया था धागे को खींचा, खींच के बड़ा किया था, क्रोशिया में लिया था, वैसे ही हमें यहाँ पे फिर छह बार हम क्रोशिया को, धागे को क्रोशिया में लेंगे। हमें यहाँ पे छह राउंड लेना है क्रोशिया में। तो इसे हम बंद कर लेंगे। फिर हम यहाँ पे पांच चैन बनाएंगे। तो यहीं पे हमें बंद कर देना है सिंगल क्रोशिया से। तो इसके अंदर से हम जो हमने चैन बनाया था यहाँ पे किनारे का है, तो यहीं से हम इसको धागे को निकालेंगे, फिर इसे बंद कर देंगे। फिर हम दूसरे वाले में ऐसे जहाँ हमने चैन लिया है हमें उसी में इसे बंद करना है। तो इसे हम बंद कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने दो पंखुड़ी बना लिया है। तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। तो यहाँ पे हमें पूरा 14 चैन लेने हैं। तो हमने यहाँ पे 14 चैन बना लिया। एक, दो, तीन, चार, पाँचवें चैन में हम इसे बनाएंगे एक राउंड क्रोशिया में। फिर पाँचवीं वाले चैन में से धागे को हम बड़ा करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। तो हमें यहाँ पे छह राउंड क्रोशिया में लेना है। इसके बाद हम बंद कर देंगे। फिर हम पांच चैन बनाएंगे। तो यहाँ पे नीचे की साइड में यहाँ पे बंद कर लेना है इसे ऐसे। तो फिर हम फिर चैन यहाँ पे हम पांच चैन बनाएंगे। एक राउंड क्रोशिया में, फिर धागे को हम वहीं से फिर बड़ा करेंगे। तो ऐसे ही हम क्रोशिया में छह राउंड में ले लेना है।
6 राउंड है यहाँ पे बना लिया, इसको अब बंद कर लेंगे। फिर 5 चैन हम लेंगे, फिर यहाँ पे बंद कर देंगे ऐसे। फिर हम 5 चैन बनाएंगे, तो इसमें हम 3 पंखुड़ी बना रहे हैं, तो यहाँ पे 6 राउंड क्रोशिया में लेना है। तो 6 राउंड हमने यहाँ पे ले लिया, अब इसे हम बंद कर देंगे ऐसे। अब फिर हम यहाँ पे 5 चैन बना के बंद कर देंगे। तो यहाँ पे हमें बंद करना है सिंगल क्रोशिया से ऐसे। अब हम यहाँ से इसमें डालेंगे, ये जो हमने चैन बनाया है उसी के अंदर से हमें ऐसे फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनानी है। तीनों में हमें लेना है। अब हम यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे इसको भी बंद कर लेंगे। फिर इसके अंदर से ये जो हमने चैन लिया है उसी के अंदर से हमें लेनी है, यहाँ पे इसको बंद कर लेंगे। तो तीनों पंखुड़ियों में हमें इसे बना लेना है। तो हमने नीचे की साइड 2 पंखुड़ी बनाए हैं और ऊपर हमने 3 बनाए हैं, तो हम ऊपर का जितना बनाएंगे 3-3 पंखुड़ी बनानी है। तो फिर हम यहाँ पे 14 चैन लेके जैसे हमने बनाया है ये 3 वाली पंखुड़ी, उसी तरीके से हम आगे बना लेंगे। तो ऐसे ही 3 पंखुड़ी ऊपर बना लेंगे। तो यहाँ पे हमने बना लिया नीचे 2, फिर यहाँ पे 3, फिर 3, 2 यहाँ पे हमने 3-3 बनाए हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने दूसरा कलर लिया है, इसके किनारे पे हमने लगाए हैं साइड से यहाँ पे ऐसे बॉर्डर की तरह। इन पे भी हम ऐसे ही बना लेंगे, 2 वाले पंखुड़ी जो हैं इनको साइड से में इसे बना लेना है। तो हम इसे 2 वाले पंखुड़ी से स्टार्ट कर रहे हैं बनाना नीचे से। सबसे पहले हम इसको बंद करेंगे, इसको हम यहाँ पे बांध लेंगे। तो हमने यहाँ पे 1 सिंगल क्रोशिया बना लिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ पे हमें 8 क्रोशिया बनाना है सिंगल। अब ये जो हमारा चैन है इसे चैन में हम बनाएंगे, इसे हमें चैन में ही बनाना है। तो इसमें भी हम 8 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इसमें हम 8 सिंगल क्रोशिया में बना लेना है जो हमने यहाँ पे चैन बनाए हैं, इसी चैन में हमें बना लेनी है ये पूरा। आप वीडियो को ध्यान से देखें, आपको अच्छे से समझ में आएगा इसे बनाना, बहुत ही इजी है। तो हर चैन में हम 8 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसमें हमने बना लिया ये दूसरी साइड का,
इसमें भी हम 8 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इसे बनाना बहुत इजी है, आप इसे ज़रूर बनाइएगा। तो यहाँ पे हमने बना लिया है, अब हम लास्ट वाले में यहाँ पे ऐसे करके इसे बंद कर देंगे, धागे को हम काट देंगे। तो ये हमारी पंखुड़ी बन गई, इसी तरीके से हमें बना लेना है। तो हम यहाँ पे धागे को कट कर देंगे। फिर इसके अंदर अंदर की साइड हमें धागे को ये खींच लेना है ऐसे करके, ऐसे। तो ये बन गई तो पंखुड़ी हमारी। अब हम यहाँ पे जो 3 पंखुड़ियाँ हैं इसमें हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम धागे को यहाँ पे बांध लेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इसमें हमें 9 बार बनाना है, 8 बार नहीं, 9 बार बनाना है। इसी तरीके से हम 9 इसमें भी बना लेंगे। शुरू में हमें 8 बार बनाना है, जो हमारी 2 पंखुड़ी है और हमारी जो तीसरी पंखुड़ी है जो हमने 3-3 बनाए, इसमें हमें 9 बार सिंगल क्रोशिया करने हैं। तो इसमें हमने ये बना लिया 9 बार। तो जैसे हमने ये वाली बनाई है उसी तरीके से ये पूरी लाइन हम यहाँ पे बना लेंगे। तो यहाँ पे हमने बना लिया 3 पंखुड़ी में। अब इस वाली में बना लेंगे। तो इसमें भी हमने बना लिया। तो यहाँ पे हमने सबसे बड़ी वाली यहाँ पे लिया, इसमें हमने 8 पंखुड़ी बनाए हैं। तो यहाँ पे हमने एक ही साइज का यहाँ पे बनाना है 2-2। ये हमारे 8 पंखुड़ी हैं, इसमें हमने एक ही साइज के 2 बनाए हैं। यहाँ पे हमने 7 बनाए हैं एक ही साइज के 2। तो यहाँ पे 6 बनाए हैं पंखुड़ी एक ही साइज के 2। तो यहाँ पे 5 एक ही साइज के 2। तो यहाँ पे हमने 4 बनाए हैं, 4 पंखुड़ी एक ही साइज के 2। तो यहाँ पे 3 पंखुड़ी एक ही साइज के 2। यहाँ पे 1 पंखुड़ी, यह हमारा 2 है, हमने इसे सिंगल बनानी है, 2 नहीं बनाने हैं, सिंगल ये हमारा बीच में रहेगा। तो ये पट्टी का वीडियो हमने पहले ही बना के अपलोड कर दिया है, अगर आप नहीं देखे हो तो जाके हमारे प्लेलिस्ट में देखें। तो यहाँ पे हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, तो हमने इसमें 13 फ्लावर बनाए हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7वें में हम सबसे छोटा वाला लगाएंगे एक सीरियल से। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे लगाते जाएंगे एक सीरियल से, हमने जैसे बनाया था। तो सबसे लास्ट में इसको हम यहाँ पे ऐसे बताएंगे कि उसे हमने कैसे इसको यहाँ पे बंद किया है। तो यहाँ पे हमने सुई लिया है और यहाँ इसको हमने ऐसे बंद कर लेना है, यहाँ पे बांध देना है। अब धागे को हम कट कर देंगे। तो इसी तरीके से हम
पूरा बना लेंगे। तो यहाँ पे हमने बना लिया है पूरा, एक साइज से स्टार्ट किया था लगाना। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।